सपना मध्यस्य और आप देख रहे हैं KKNews 24। शहर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने व आगामी बरसात बाढ़ जल जमाव से निपटने हेतु सुदृढ़ जल निकासी की व्यवस्था करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया से है, जहां पर जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि शहर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने की दिशा में समग्र रूप से कार्य करना होगा। इस हेतु लगातार नगर परिषद की अधिकारियों के साथ बैठकें व समीक्षा होती रही है। सभी को मुहिम चलाकर इसका सफल क्रियान्वयन करना है, ताकि बेतिया शहर की गिनती अच्छे शहरों में हो सके। इस कार्य को तत्परता पूर्वक करना होगा। तनिक भी शिथिलता, कोताही एवं लापरवाही बरतने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। सिंक हम तो पता रहना जी, पानी कहाँ गिरेगा, तो वो जाएगा चंद्रावत में। ठीक है, एक ये एक है। नाला सर चंद्रावत में जा रहा है, एक नाला यहाँ से उधर को चंद्रावत में जा रहा है सर। यहाँ जो ये ब्लू वाला चंद्रावत है, यही है चंद्रावत, ये आ रहा है सर। इसमें आकर सर यहाँ पर ये गिर रहा है, यहाँ चंद्रावत में यहाँ गिर जा रहा है सर। ये इंग्लिश चौक होते हुए जो खियार स्कूल का है सर, SDO को क्यों नहीं बुलाया, मैं बोल के भी गया। यहाँ पर कोहरा नदी को बोलता है सर, है एक्चुअल में चंद्रावत। ठीक है, कोहरा एक जगह यहाँ गिरता है सर, एक जगह इस जगह गिरता है, एक सर क्रिया घाट के पास सर। संत घाट की तरह ये हो गया सर, छोटी कविता में यहीं सर, यहीं पर है पास, यहाँ पर ये साइड पड़ेगा सर। यहाँ पर छोटी कब्रिस्तान जहाँ है सर, वहीं पर की जगह है सर। इधर से बालू छापर होके आगे जाते हैं ना सर, वो नहीं सर, हम अगर शहरी क्षेत्र से जो होकर निकल के जाता है। अब रुख करते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की ओर, जहां पर मझौलिया थाना में पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार ने योगदान दिया और पदभार ग्रहण किया। नवागत थानाध्यक्ष ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि थाना क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अपराधियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या रहम नहीं किया जाएगा। थाना क्षेत्र में अमन चौन कायम रहे, इसके लिए शरारती तत्व व अराजक तत्व पर पैनी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि थाना में फरियाद लेकर आए फरियादियों की सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनी जाएगी। दीवा गश्ती, संध्या गश्ती और रात्रि गश्ती नियमित रूप से होगी, तथा बैंकों की सुरक्षा पर विशेष नजर रखी जाएगी। पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार ने स्पष्ट कहा कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके हाथ कितने लंबे क्यों ना हो, उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने थाना क्षेत्र में शांति सौहार्द एवं अमन चौन कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिया। उन्होंने अमन पसंद लोगों और मीडिया से सहयोग की अपील किया। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। मैं योगदान लिया थाना में, पहली प्राथमिकता सर की क्या होनी चाहिए? अपराध और अपराधियों पर नकल कसना और विधि व्यवस्था बनाए रखना मेरा दो मुख्य कार्य होगा, जिसको मैं प्रथम प्राथमिकता के तौर पर रखूंगा। पूर्व में घटित जितनी भी घटनाएं हैं उसका सही सही उद्भेदन करने का 100% प्रयास करूँगा। थैंक यू। अब रुख करते हैं एक बार फिर बिहार के मझौलिया की ओर, जहां पर जवाहर प्रसाद के निवास पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला कार्य समिति की बैठक जिलाध्यक्ष कृष्णा पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि पार्टी संगठन की मजबूती पर विशेष बल देते हुए अनुसूचित जाति मोर्चा को कार्य करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण में सबकी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए मोर्चा के नेताओं को विशेष प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए चलाए जा रहे विकास योजनाओं का हवाला दिया, तथा कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कोई भी वर्ग विकास से अछूता नहीं रहेगा। कार्यक्रम का संचालन मोर्चा के IT सेल के जिला संयोजक प्रिंस अमित ने किया। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। जिस दल में दल नहीं है, इसके दल में प्रतिभा का पूजा होता है, हरने का मौका मिलता है, नहीं तो अन्य दल में चले जाइए। दल का विकास कम, अपना विकास ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी में नेचर है कि पहले राष्ट्र, तब पार्टी, तब कोई व्यक्ति विशेष। लेकिन अन्य दलों में देखिए ठीक उसके विपरीत होता है, पहले व्यक्ति, तब दल, उसके बाद प्रदेश या राष्ट्र। इसलिए हम क्या उसे कह सकते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान की संरचना किए अपने आप पे ऐतिहासिक है। और उसको याद करिए उस दिन को
कभी बाबा भीमराव अंबेडकर को कभी इन कांग्रेसी ने पसंद नहीं किया, अन्यथा दबाव बनाने का काम किया। आज जम्मू कश्मीर की समस्या जो सल्टा है, धारा 370 को हटा, कहीं से नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन पंडित नेहरू के दबाव में आके वैसा काम कर रहे, और कभी भी उन्होंने इनको लाइक नहीं किया, पसंद नहीं किया, कभी भी मौका भी नहीं दिया। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत की बदौलत जब सरकार बनती है, इनके जन्म स्थल को, इनकी जहां शिक्षा दीक्षा हुई है, उसको पर्यटन के स्तर पर हमने डेवलप करने का काम किया है। आज पटेल जी का भी गुजरात में जाकर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू बना। पटेल जी को केवल इतिहास की पन्ना में सिमट के रख दिया गया था।